सब्सक्राइब कीजिए विनय कुमार गुरु चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर है। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा यार, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि कल वीडियो आएगी, शाम को आएगी वीडियो, तो वो वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि यार मुझे कई सारा डाटा कलेक्ट करना था कि कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन सा किसको अवार्ड मिला है, ठीक है, GI टैक्स वगैरह इनको मेरे को ना मैंने 1 तारीख से लेकर 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का सारा डेटा इसके अंदर मैंने कलेक्ट किया है, जिसके अंदर सिर्फ मैंने वही बताया कि कौन सा सेमिनार हुआ है, कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ है, कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, इसके अंदर बस मैंने यही बताया है। अगस्त जो है काफ़ी मतलब करंट का जो है सेशन है, तो इसलिए मैंने अगस्त को सबसे पहले उठाया। उसके बाद फिर मैं, एक दिन और लगेगा मुझे आधा अगस्त ख़त्म करने में, उसके बाद फिर मैं आपका जो लास्ट मंथ था यानी कि ये आपका जुलाई, जुलाई का मैं आपको जितना भी डाटा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है मेघालय के अंदर। सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है गाइस, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया है, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए है जो कि जिसके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आए, ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है, बस ध्यान रखना। DYC वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान रखना। हाल ही में इंडियन वुमेन इन्फ्लुएंस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है प्रिया प्रियदर्शनी जैन को। हाल ही में दक्षिण एशिया एयर क्वालिटी टैग कैंप का आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया था काठमांडू। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश ने 1000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर खोला है? वो खोला है पाकिस्तान ने। हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है कजान के अंदर। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित किया जाएगा? तो किया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वो किया जाएगा कपिल देव को। 52वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा बैंकॉक में। एक है रसगोला, रसगोला को GI टैग मिला है। यह किस राज्य की मिठाई है? यह है उड़ीसा की। GDP रैंकिंग की फर्स्ट कंट्री कौन सी है? तो वो है अमेरिका। हाल ही में दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जगह है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कितने राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की? तो वो की है 4 राज्यों के अंदर। हाल ही में आई रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP विश्व दर कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो वो रहेगी 6.9%। किस राज्य ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान की शुरुआत की? वो की है वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन वेस्ट बंगाल। हाल ही में RBI ने किस बैंक को नियमित सेवाएँ देने की अनुमति दी है? तो वो दी है BOC बैंक ने, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता क्या है इसकी फुल फॉर्म है, बाकी एक मैंने अभी इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो BOC बैंक उसमें आ रहा था। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन फुल फॉर्म भी मैंने इसकी खोजने की कोशिश की बट मुझे मिल नहीं भाई, खैर कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्रीही डिग्री योजना की शुरुआत की? वो की है गुजरात ने व्रीही डिग्री योजना। अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड रैंकिंग विच इज़ द वर्ल्ड बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट इन द वर्ल्ड? तो वो है लंदन, सबसे बेस्ट शहर है पढ़ने के लिए। हाल ही में समर्थ पहल की शुरुआत किसने की है? समर्थ पहल है, ठीक है, ये पहल है, इसकी शुरुआत की है फ्लिपकार्ट ने। हाल ही में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जयपुर में। हाल ही में स्टार्टअप ब्लूटेलो का अधिग्रहण किसने किया? तो वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, स्टार्टअप ब्लूटेलो। हाल ही में 5वां धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? वो हुआ है राजगीर में। नेक्स्ट इज, हाल ही में कहाँ प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन किया गया था? वो किया गया था IIT दिल्ली में। हाल ही में 8वीं RCEP की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी चीन के अंदर। हाल ही में इसरो ने SSANC की स्थापना कहाँ की? तो वो की है बेंगलोर में। हाल ही में 10वीं मेकांग गंगा सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वो की है थाईलैंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य में कोसी मेची नदी अतः क्षेपण परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है बिहार में, ठीक है। हाल ही में IIS अधिकारी का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में, सॉरी ये ने हो गया गलती से मुझसे टाइपिंग में, बाकी ये नई दिल्ली है। हाल ही में आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स की पहल शुरू की है? तो वो की है महाराष्ट्र के अंदर। किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया? तो वो किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बच्चों ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ है शिलोंग के अंदर। किस राज्य सरकार ने नवोद्योग योजना शुरुआत की घोषणा की? वो की है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। हाल ही में ADB ने किस राज्य को ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए $200 मिलियन प्रदान किए हैं? तो वो किया है महाराष्ट्र को, ठीक है, ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में किसने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की? वो की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने लघु बचत प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वो की है उड़ीसा ने। ठीक है, राज्य कौन सा है? उड़ीसा ने। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कब शुरू किया जाएगा? वो किया जाएगा 1 जून 2020 को। ठीक है, किसने डिस्कवर इंडिया योजना की शुरुआत की? वो की है एयर इंडिया ने, एयर इंडिया जिसकी फ्लाइट्स होती है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की? वो की है हरियाणा सरकार ने। किस बैंक में पहला हेल्थ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो वो किया है RBL बैंक ने। अगस्त 2019 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? वो किया गया है मानेसर में। हाल ही में किसने लेदर मिशन लॉन्च किया? वो किया है KVIC ने। ठीक है, हाल ही में NCAER वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो वो है 6.2%। ये किसके? NCAER के द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वो की गई है झारखंड में। हाल ही में मिशन रीच आउट कहाँ शुरू हुआ है? वो है जम्मू कश्मीर में। गाइस, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम काफ़ी कम है, मुझे और भी वीडियोस बनानी है और फिर इसको मेरे को एडिट भी करना है। पूरी रात से मैं सोया नहीं हूँ, तो बस थोड़ा सा उस चीज़ को समझना। ठीक है, किस राज्य में पंचमृतम को GI टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है तमिलनाडु को। ठीक है, पंचमृतम एक बताया था मैंने आपको, रसगोला, रसगोला को GI टैग उड़ीसा का, और ये पंचमृतम है, ये है तमिलनाडु का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ किसने किया है? वो किया है हरदीप सिंह पुरी ने। 2019 में कौन सा राज्य वैश्विक निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा जम्मू कश्मीर वैश्विक निवेशकों के लिए। ठीक है, वहाँ पर लोग जो है निवेश करेंगे 2019 में, तो वो करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में ऑपरेशन नंबर प्लेट किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है RPF ने, रेलवे पुलिस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, RPF। तो गाइस, जैसे कि वीडियो ख़त्म होती है और वैसे ही मैं एक वीडियो और लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक वीडियो आ जाए एक वीडियो और, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं। मैंने आपको सारी चीज़ इसके अंदर बता दी है और PDF इसकी मैं अपलोड कर दूंगा गाइस। आप लेकिन आप वीडियो को सबसे पहले देख लो। अभी मेरे को PDF बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करते रहें। लेकिन आप इतना टाइम वेस्ट ना करके आप वीडियो को पूरा देख लें। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।